नमस्कार, पंचायती टाइम्स में आपका स्वागत है और मैं हूं कमल सिंह। उपचुनाव में बीजेपी के हार के बाद यूपी में जो यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ, वो एक्शन में नज़र आ रहे हैं और लगातार जो है अफसरों के ऊपर उनकी गाज गिरती हुई नज़र आ रही है। नूरपुर और कैराना क्षेत्र हारने के बाद योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन में है और इसी के तहत उन्होंने आज दो डीएम को निलंबित कर दिया है। इसमें गोंडा के डीएम जेबी सिंह है, जेबी सिंह के ऊपर खाद्यान्न में अनियमितता की जो शिकायत थी वो आई थी, जिसके बाद लगातार इनके ऊपर शिकायतें ऐसी आ रही थी और योगी सरकार ने एक्शन लेते हुए इन्हें निलंबित कर दिया है। दूसरे डीएम जो हैं वो डीएम हैं फतेहपुर के प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार के ऊपर आरोप था कि इन्होंने गलत तरीके से ज़मीनें जो हैं अपने कुछ निजी व्यक्तियों को दी थी, ये लगातार इनके ऊपर आरोप लग रहे थे, जिसके बाद इन्हें निलंबित कर दिया गया। इससे पहले भी एक दिन पहले, हम आपको बता देंगे, एक दिन पहले ही इन्होंने अपने मंत्रिमंडल की जो मंत्री हैं अनुपमा जायसवाल, उनके दो सेक्रेटरियों को बदला था, सचिवों को बदला था, और सचिवों के ऊपर आरोप था कि ये लोग लगातार जो है पैसे लेके ट्रांसफ़र और पोस्टिंग करा रहे हैं, लगातार उनके ऊपर आरोप लग रहे थे, जिसके बाद उन्होंने उनको बदल दिया। उपचुनाव में कैराना और नूरपुर की सीट हारने के बाद योगी सरकार को ऐसा लगता है कि प्रशासनिक फेरबदल से उनकी छवि जो है वो सुधर सकती है, या फिर जो चीज़ें कम हुई हैं वो 2019 की तैयारी में कमर कस के आ गए हैं और एक सत्य छवि भी जनता के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा कि हम भ्रष्टाचार के बिल्कुल खिलाफ हैं, भ्रष्टाचार का आरोप किसी के भी ऊपर लगे हम उससे तुरंत एक्शन लेंगे। देश और दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरें हम फेसबुक और यूट्यूब के जरिए आप तक पहुँचाते रहते हैं। हमारा वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।